करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि वो इलाका मेरे लिए बड़ा बड़ा या ना। और ये प्रदीप यादव, ये लीडर है प्रदीप यादव जो मैं उसको स्टेडियम से लेकर आज का इस्तेमाल, लेकिन कि ज्यादा किसी खिलाड़ी का गुस्सा नहीं ले सकी बाहर। एक बार फिर चकमा देते हुए एक नंबर के खिलाड़ी जाएगा हमारे तरह की फील्ड में, लेकिन सही पॉइंट हासिल नहीं हो सका। दोनों अजाउर रहमान तरफ का स्कोर हो चुका है एक शायद, और इसके नतीजे रहमान तरफ के स्कोर में दो और काजीपुर जीरो। इस मैच के तुरंत बाद जो मैच होने वाला है अंसार कलर इब्राहिम परिवार से बासुपार, अंसार कलर इब्राहिम परिवार से बासुपार दोनों टीम के सेंटर में गुजारिश है कि अपने आप को पहले का जवाब ना कर ले, जैसे ही खेल समाप्त होता है तुरंत मैदान में प्रवेश कर जाए, क्योंकि मेरे जिम्मे में वो काम लगा कि मैच को जल्दी जल्दी कराया जाए। तो मैं मैच को बहुत जल्द करा सकता हूँ, लेकिन मुझको उतना समय मिलना चाहिए कि मैच कैसे कराया जाए। तो अंसार कलर इब्राहिम परिवार से बासुपार दोनों टीम के खिलाड़ियों को पूरी तरह वार्म अप करके बिल्कुल गैलरी में आकर के लग जाए। और अभी अभी खबर मिली है कि नगर पंचायत क्षेत्र तहसील जगदीशपुर से नौजवान चेहरा पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी सरफराज अहमद से जो अभी थोड़ी देर बाद क्यों नहीं देख रही, कौन देखेगा तुमको, क्यों बुलाया हूँ हेड रीड के लिए, बुलाया आया पर कुर्सी लगा बैठो देखो। हटो यार, चलो उठो और चलो हटो, बाहर चले बाहर चाहिए, नहीं उधर चलो एंजू दो अंडाइनिंग और इसका नतीजा मिला जाओ रहमान के रूप में एक पॉइंट की शक्ल में 4-0 का स्कोर। अनुसार करल इब्राहिम परिवार से बासुपार दोनों टीम के कप्तान मिला था खेल तैयार होकर गैलरी के पास आकर के लग जाए। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ग्राम नगर पंचायत बड़े जगदीशपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी है सरफराज अहमद, अभी अभी खबर मिली है पीछे से कि कमेंट्री बॉक्स के करीब आ चुके हैं। मैं अपनी तरफ से और यहाँ पे सकूराबाद की कमेटी की तरफ से मौजूद तमाम साथियों की तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ। और पहले से यहाँ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब जो वर्तमान प्रधान है और चेयरमैन पद के प्रत्याशी है, और उनसे पहले यहाँ पे बैठे हैं हाजी मोहम्मद प्रत्याशी है, और यहाँ पे बैठे हैं अनवार अहमद साहब डॉक्टर नसीम साहब के बिल्कुल बगल में, वो भी सभा करते भावी प्रत्याशी है, वो भी हमारे सरफराज अहमद यहाँ पे आ चुके हैं। मैं वालंटियर से गुजारिश कर रहा हूँ सरफराज को बहुत इज्जत एहतराम के साथ कमेटी बॉक्स के अंदर बैठाया जाए। वालंटियर से मेरी दरखास्त है कि अजय खैर के लिए वो आज उनका काफिला है। बैठो यार, बैठो डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब ने कमेटी के 700 रुपये का काम किया है, दोनों कमेटी को 600 रुपया दिया है, यकीन हम उनके बहुत आभारी हैं। चलिए कोई बात नहीं, 3-5 नहीं हुआ और डॉक्टर महमूद ने भी दोनों ही कमेटियों को 50,000 रुपए का काम किया है। ऐसा तो लग रहा है कि जहां उनके लोग हमारी मेहनत का कुछ ख्याल करते हैं, सुबह से
दो बात स्टेडियम में स्टेडियम की टीमों के चारों का हाथ से रफे नाम से खेलती है और ये खेड़ी दो हाल बाई भी देखना क्या होता है ये लीडर के लिए करो और मेरे की स्थिति या तो मार दे या तो मर जा देखना क्या होता है मर जाते हैं या किसी और को मार कर जाते अपने ग्राउंड में दो हाल बाई का मतलब है कि कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा और इस फैसले को फैसला किए लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला देखिए जब यकीनन मूड में कमेंट्री होगी तो मार तो हाथ पकड़ लिया तो बहुत देर लिए लाइन मारा तीसरी बार हुआ चौथी बार में चला जाऊंगा इंडिया पर मेरा घर भी इंडिया पर है ऐसा ना हो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इंडिया पर चला जाऊं ऐसा नहीं है मार को बदलवा दीजिए भाई मार को बदलवा दीजिए यहाँ से फौरन और ये लाइन उतरती है बहुत मजबूत लाइन उतरती है हमकी फिर परेशान मैं बता ठीक है ये भी ठीक है कोई बात नहीं सात दो का स्कोर जियाउर रहमान तरफ सात कालीपुर दो शेष समय चार मिनट शेष समय चार मिनट भाई मैं प्रदीप यादव से गुजारिश करूंगा कि कुछ रीड तो करें क्योंकि आप जहानागढ़ के बहुत चहेते खिलाड़ी हैं और काफी मेहनत करके अफरोज बादल ने आप सफराबाद की जमीन को उतारा है तो कम से कम पहले मैं तो कुछ तो करिश्मा दिखाए जनता को हम भी बता दें कि यही प्रदीप यादव है जब से मैच शुरू हुआ है अनाउंसमेंट हो रहा है प्रदीप यादव कुछ तो करिश्मा दिखाए हमारे साइकिल को जो शायद आपके दीवाने हैं तीन साल पहले आपने जहानागंज में बड़ा जबरदस्त गेम शो किया था वो शो गेम जहानागंज के लोगों को आज भी याद है बॉक्स में मैं हमारे बिल्कुल जिस कदम में बैठे हैं भाई एकदम नौजवान चेहरा जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी है नगर पंचायत क्षेत्र बैठे जबकि खुद सरफराज शेख साहब जो हमारे बगल में बैठे हैं मैं और इनके साथ में मास्टर कोई बसर साहब और उनके साथ में बहुत बहुत बड़ा काफिला लेकर से ये नहीं चलते लेकिन इस वक्त हमारे कमेटी बात में मौजूद है मैं अपनी तरफ से शकुराबाद के तमाम ग्रामवासियों की तरफ से या तक जहां से आए हुए तमाम साइकिल की तरफ से मैं उनका दिली चरण वंदन करता हूँ थर्डली और ये दो अडाई देखना है क्या होता है शेष समय तीन मिनट का समय और बाकी है स्कोर है 12-2 10 पॉइंट से लीड कर रही है जियाउर रहमान तरफ की टीम का पकड़ने का प्रयास लेकिन वहां पे सुरक्षित लीडर अपनी टीम में 2 पॉइंट के साथ पहुंच गए 14-2 बिल्कुल एक तरफा मुकाबला होता हुआ काजीपुर वर्सेस जियाउर रहमान तरफ एंड स्टेडियम के दरमियान अनुसार तरफ इब्राहिमपुर वर्सेस पासू पार तैयार है भाई अगली चीज अंसार कलर इब्राहिम के वर्ष बासू पार बिल्कुल तैयार है उसके तुरंत बाद मोबाइल से खोलो टीम छोटू कलर ये भी तैयार है शेष समय दो मिनट पूरे गेम में 15-2 का स्कोर काफी पॉइंट के साथ विजय घोषित होना चाहते हैं जियाउर रहमान क्लब एंड मऊ स्टेडियम की टीम इब्राहिमपुर और बासुपार तैयार होकर गैली के पास अगर लग जाए क्योंकि 2 मिनट से भी कम का समय आगे पहुंचा हुआ है रेड कराए भोरे में जब सब सो जाए भाई प्रदीप मैं आपको बता दूं एक शख्स यहाँ पे ऐसा है आपका दीवाना जिनका परसों ऑपरेशन हुआ है फिर भी आपका गेम देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक मैं ये बात आपको कहूँ शेष समय एक मिनट लेकिन अब आप कर ही क्या सकते हैं बस अपने दीवानों को मारे कमाल भाई तो मैं देख रहा हूँ कि सैफुल इस्लाम साहब ये तमाम वो बच्चे हैं जिनकी मोहब्बत से ये टूर्नामेंट सजाया गया है सैफुल इस्लाम साहब
मोहम्मद शहजाद के तमाम कार्यक्रम है और उसी कड़ी में एक ऐसा नाम है जिन्होंने लाइट के डेकोरेशन को इंतजाम में लाया था मौलाना खलीकुज्जमान साहब ने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त के दरमियान में हमारे और आपके दरमियान एक ऐसी शख्सियत